मेरा नाम डॉक्टर रिजवानी हसन है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ARDL मॉडल जो है वो Eviews में कैसे रन करते हैं। पहले हम देख लें कि ARDL रन कब करते हैं। अभी जो हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है उसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले टाइम सीरीज़ डाटा जो है उसकी स्टेशनरिटी चेक करते हैं। अगर तो सारे वेरिएबल्स लेवल पर स्टेशनरी है तो LS लगता है, अगर फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी हैं सारे वेरिएबल तो हम जॉनसन को इंटीग्रेशन लगाते हैं, और अगर कुछ वेरिएबल जो हैं वो लेवल पे स्टेशनरी हैं और कुछ वेरिएबल जो हैं वो फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी हैं तो फिर हम ARDL लगाते हैं। ARDL जो है उसे बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग। इसका मतलब है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल भी है और डिस्ट्रीब्यूटेड लैग भी, डिपेंडेंट वेरिएबल के भी लैग्स लेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के भी लैग होंगे मॉडल्स में। तो आइए देखते हैं Eviews में ये कैसे रन करते हैं। मेरे पास ये डाटा फाइल पहले से ओपन है Eviews 9 में, तो हम सबसे पहले ऑप्शन में जाएंगे और सॉरी क्विक में जाएंगे। क्विक में जाके एस्टीमेट इक्वेशन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेशनरिटी चेक करेंगे वेरिएबल्स की। अगर कुछ वेरिएबल्स लेवल पे स्टेशनरी हैं और कुछ वेरिएबल्स फर्स्ट डिफरेंस पे हैं तो फिर हम ARDL लगाएंगे, और उसके ARDL लगाने से पहले हम ऑप्टिमल लैग लेंथ मैयर करेंगे, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई कि कैसे मैयर करते हैं। अब ये जो डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हुआ है इसमें हम अपनी इक्वेशन को पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो ग्रीन हाउस गैसेस है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके बाद स्पेस के बाद पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो फाइनेंशियल डिवेलपमेंट है, उसके बाद स्पेस दी फिर ट्रेड लिखा। अब हम नीचे आएंगे मेथड में और ARDL सेलेक्ट कर लेंगे। अब जब ARDL सेलेक्ट करेंगे तो हमारे जो है देखेंगे ये लैग है, डिपेंडेंट वेरिएबल का मैक्सिमम लैग और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैक्सिमम लैग, जो यहाँ ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 4:4 है। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम ऑप्टिमल लैग लेंथ निकालें और उसमें जो वैल्यू आए वो यहाँ पुट कर दें, और दूसरा ये है कि हम ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहने दें और Eviews को इजाज़त दें कि ये खुद ब खुद सिलेक्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ अकाइक इन्फो क्राइटेरियन, और जो हम देख सकते हैं ऑप्शन में। ये जब हम ऑप्शन में जाएंगे तो देखेंगे कि ये मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, अकाइक इन्फो क्राइटेरियन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ Eviews को डिसाइड करने देता हूँ कि वो कितने लैग लेगा, तो यहाँ ऑटोमेटिक सिलेक्शन रहने दूँगा, यहाँ मैं कॉन्स्टेंट रहने दूँगा, जिसका मतलब है कांस्टेंट विदाउट ट्रेंड, इंटरसेप्ट ले रहा बस, और फिर नीचे ये ARDL और मेरा सैंपल जो है वो 1995 से 2017 है, फिर मैं यहाँ ओके कर दूँगा। तो ये मेरे रिज़ल्ट आ गए। ये रिज़ल्ट क्या आए, ये मेरे पास रिज़ल्ट हैं शॉर्ट रन ARDL के, शॉर्ट रन कोजैलिटी के रिज़ल्ट्स हैं जो मेरे पास ARDL के आए हैं शॉर्ट रन के। तो इस रिज़ल्ट को मैं देखता हूँ, इस रिज़ल्ट को जब मैं देखूंगा तो देखूंगा ये डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा ग्रीन हाउस गैसेस है, मेथड जो है मेरा ARDL है, और सिलेक्शन क्या है ARDL की, ये उसने लैग लिया 101, फर्स्ट वेरिएबल का 1 लैग लिया, सेकंड जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसका 0 लैग लिया और थर्ड का 1 लैग लिया ऑन द बेसिस ऑफ अकाइक इन्फो क्राइटेरियन। अब मैं नीचे आके अपने वेरिएबल्स को इंटरप्रेट कर सकता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया इंटरप्रिटेशन में हम दो चीज़ें देखते हैं, पहला कोफिशेंट और दूसरा जो है वो और दूसरा जो है वो है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू। जो टी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वो हमें बताएगी कि कौन सा वेरिएबल जो है वो सिग्निफिकेंट है, कौन सा वेरिएबल जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, और कोफिशेंट की वैल्यू मुझे बताएगी कि कौन क्या जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यहाँ रिलेशनशिप की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड जो है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस पे शॉर्ट रन में, और ये इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 0.05 से, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वो 0.05 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या है, ये इनसिग्निफिकेंट है। अब हम मॉडल की जो नीचे आर स्क्वेयर है उसको देखेंगे, ये 63.7% है, जो डर्बन वाटसन है वो 2.01 है जो कि बेहतर, जो कि बेहतरीन है, और जो आर स्क्वेयर है वो 63.7 है, डैट इज़ आल्सो ओके। तो अब हमने ये शॉर्ट रन कॉजर जो रिजल्ट्स हैं वो देख लिए, शॉर्ट रन ARDL के रिजल्ट्स।
ARDL लॉन्ग रन जो रिजल्ट्स निकालने हैं उसके लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या यहाँ लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। तो उसके लिए हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट रन करेंगे। पहले हम व्यू में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक में जाएंगे और बाउंड टेस्ट जो है उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये रिज़ल्ट आ गया हमारे बाउंड टेस्ट का, जो कि बताएगा कि क्या लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा वेरिएबल्स के दरमियान। तो हम क्या देखेंगे, हम इसमें एफ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। ये रिजल्ट्स हैं जो बाउंड टेस्ट के हैं। तो हम पहले देखेंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस है नो लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट। तो इसकी एफ स्टैटिस्टिक्स है, एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है 5.98। तो नीचे क्रिटिकल वैल्यू बाउंड की वन है, देखिएगा इस लेफ्ट साइड पे आई ज़ीरो है, आई ज़ीरो बाउंड की वैल्यू, और राइट साइड पे आई वन बाउंड की वैल्यू है। 10% पे ये वैल्यूज़ गिवन है, 5% पे गिवन है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम 5% पे कंपेयर करेंगे तो 5% पे आई ज़ीरो की वैल्यू है 3.79 और आई वन बाउंड पे वैल्यू है 4.85। तो हमारी जो वैल्यू है वो है 5.98, जो कि आई वन वैल्यू से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हमारा जो है नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो रहा है, और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या है, देयर इज़ लॉन्ग रन रिलेशनशिप। तो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होगा। अब ये रूल मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि अगर एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आई वन वैल्यू से ज़्यादा होगी तो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, जो कि है देयर इज़ लॉन्ग रन रिलेशनशिप। और अगर हमारी एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आई ज़ीरो बाउंड वैल्यू से कम होगी तो इसका मतलब है हमारा एच नॉट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, जो कि है देयर इज़ नो लॉन्ग रन रिलेशनशिप। और अगर एफ स्टैटिस्टिक्स आई ज़ीरो बाउंड और आई वन बाउंड के दरमियान आएगी तो हमारे रिजल्ट इनकन्क्लूसिव होंगे, इसका मतलब है कि देयर इज़ नो लॉन्ग रन रिलेशनशिप। तो यहाँ हमारी जो वैल्यू है एफ स्टैटिस्टिक्स की वो 5% पे जो है वो 5% पे जो है आई वन बाउंड से ज़्यादा वैल्यू से ज़्यादा है, तो हमारा जो है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है। बल्कि तो हम कहेंगे कि देयर इज़ लॉन्ग रन रिलेशनशिप इन आवर रिजल्ट्स, हमारे रिजल्ट्स में लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम दोबारा जाएंगे व्यू में, फिर व्यू में जाएंगे, कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक में जाएंगे, यहाँ जाके हम जो है को इंटीग्रेशन एंड लॉन्ग रन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो हमारे लॉन्ग रन रिजल्ट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। ये है हमारे लॉन्ग रन रिजल्ट्स, ये देखिएगा ये हमारे लॉन्ग रन रिजल्ट्स हैं, जिसके इसको हम इंटरप्रेट कर लेंगे। इंटरप्रिटेशन के लिए वही पहले कोफिशिएंट देखेंगे, कोफिशिएंट में रिलेशनशिप का मैग्नीट्यूड आएगा। ये पहले अगर इसकी बात की जाए तो दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड ग्रीन हाउस गैसेस। तो इनके दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसी तरह हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो बताती है सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। ट्रेड जो है वो 5% पे सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.05 से कम है। इसी तरह हम ये टेबल देखते हैं। अब ये टेबल में देखेंगे हम ये को इनटेक इक्वेशन जो है ये है ECM की वैल्यू। ये क्या है, एरर करेक्शन टर्म है। इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है। अगर ये वैल्यू माइनस में हो तो इसका मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कन्वर्ज कर रहा है टूवर्ड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो है वो करेक्ट हो रहा है। ये स्पीड ऑफ करेक्शन है। अगर तो ये पॉजिटिव में है तो इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस है, जो इक्विलिब्रियम बनने के बजाय डिस इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है मॉडल। तो हमारी ये वैल्यू जो है वो -0.63 है, जिसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम की तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा या हमारा मॉडल जो है वो कन्वर्ज हो रहा है। और किस तरह कन्वर्ज हो रहा है, इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 63.7। हमारा डाटा एनुअल है तो हम कहेंगे हर साल 63.7% जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ कन्वर्ज हो रहा है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंजेस इन अदर वेरिएबल्स, जैसे कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड ट्रेड। और दूसरी बात को, ये जो ECM टर्म है हमारी सिग्निफिकेंट भी है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 0.05 से कम है, तो ये रिज़ल्ट बेहतर है। इसी तरह हम ट्रेड का शॉर्ट रन में रिज़ल्ट देखेंगे और लॉन्ग रन शॉर्ट रन में फाइनेंशियल डेवलपमेंट का देखेंगे, दोनों इनसिग्निफिकेंट है। तो ये था हमारा ARDL के लॉन्ग रन और शॉर्ट रन रिजल्ट्स, जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे निकालते हैं और कैसे Eviews में निकालते हैं और कैसे इसे इंटरप्रेट करते हैं।
इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ एक और बात बता दूँ कि अगर ये जो हमने कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक टेस्ट में बाउंड टेस्ट रन किया था, अगर ये जो रिज़ल्ट हमारा सिग्निफिकेंट आ गया था और हमारा H1 जो है वो एक्सेप्ट हो गया था, अगर ये हमारा एक्सेप्ट ना होता तो फिर हम लॉन्ग रन रिज़ल्ट ना निकालते। अगर ये किसी भी मॉडल में, फॉर एग्जांपल डायग्नोस्टिक, अगर कोई भी आदमी टेस्ट करे और उसका यहाँ रिज़ल्ट आए कि देर इज़ नो लॉन्ग रन रिलेशनशिप, तो उसको वो फिर शॉर्ट रन रिज़ल्ट नहीं निकाल सकेगा, वो लॉन्ग रन रिज़ल्ट नहीं निकालेगा। तो लॉन्ग रन रिज़ल्ट से ARDL निकालने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने दोस्तों से इसे शेयर करें। थैंक यू।